अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सनाज़ वर्ल्ड। नक़ूश के आउटर में आई हूँ। नक़ूश में फैंसी कलेक्शन आई हुई है और नक़ूश में मोस्टली फैंसी कलेक्शन ही होती है। समर और विंटर के जो ड्रेसेस हैं, कैजुअल ड्रेसेस, वो बहुत कम होते हैं। कुछ कुर्ते इन्होंने लगाए होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। ये फैंसी कलेक्शन आप देख रही हैं, ये ऐसी कलेक्शन है जो मैं साल से देखती आ रही हूँ। कुछ भी न्यू ट्रेंडी नहीं आया है। मुझे ये देखते हुए साल हो गया है और मुझे कुछ ख़ास ड्रेसेस भी नहीं लगे हैं। बहुत ही हाई प्राइजेस हैं इनकी। यहाँ पर आपको 50,000, 60,000, 40,000 इस रेंज में ड्रेस मिलेगा, फैंसी ड्रेस। लेकिन आपको यहाँ पर इतनी ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आएगी। मुझे तो नक़ूश की आउटलेट में विज़िट करके ज़रा भी मज़ा नहीं आया है। ये देखिए, रेड कलर का बड़े ही शाइनिंग वाले, बहुत ही भरे हुए काम वाले ड्रेसेस थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहे थे। ऐसा कोई ड्रेस नहीं लग रहा था कि एक ही नज़र में अच्छा लगे, बल्कि ज़्यादा ही ओवर बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा फैंसी में थे और मुझे डिसेंट ड्रेसेस नहीं लगे हैं। फ्रेंड्स, आउटलेट विज़िट ज़रूर कीजिए, आप शायद आपको पसंद आ जाएं। नक़ूश का आउटलेट दी मॉल ऑफ सियालकोट में है। जो सियालकोट में रहने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो दूसरे सिटी से हैं वो अपनी लोकेशन के हिसाब से गूगल कर सकते हैं। नक़ूश में सेल भी बहुत कम लगती हैं। मसला ये है कि नक़ूश वाले सेल भी बहुत कम लगाते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्राइस में इतना ज़्यादा रेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे बस ये एक ड्रेस पसंद आया, ये मेहंदी का ड्रेस था। ये ग्रीन कलर में ऊपर देखे कोटी स्टाइल बना हुआ है और बहुत प्यारा ये मुझे लग रहा था। ये बस स्टाइल मुझे इनका अच्छा लगा था और इसका घेरे पर देखें, बहुत ही डिफरेंट ये बना हुआ था ड्रेस, तो ये मुझे अच्छा लगा था। ऑरेंज इसका दुपट्टा था। उसके अलावा और मुझे कोई ड्रेस इनमें पसंद नहीं आया है। नक़ूश के नाम से फेसबुक पेज भी होगा और इंस्टाग्राम पेज भी, वहाँ से भी आप मज़ीद कलेक्शन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।